स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। जी हाँ, तो आज इस रिपोर्ट में हम उस स्टार किड के बारे में बात करने वाले हैं जो बड़ी छोटी सी उम्र में कई सारी संपत्ति की मालकिन है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमिताभ बच्चन की नातिन और श्वेता बच्चन की बेटी नव्या नवेली नंदा के बारे में। नव्या नवेली नंदा 6 दिसंबर 1997 में उनका जन्म हुआ था और अभी महज वो 23 साल की हैं और कई सारे संपत्ति की मालकिन है, कई करोड़ों की मालकिन है। जी हाँ, आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन की नातिन सोशल मीडिया पर जितनी एक्टिव हैं, उनका एक अपना बिजनेस भी है। क्या है वो बिजनेस और कितने संपत्ति की मालकिन हैं और क्या महंगे शौक रखती हैं नव्या नवेली नंदा, उसके बारे में हम खुलासा करेंगे, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। तो आज उस रिपोर्ट में हम अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नवेली नंदा के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, नव्या नवेली नंदा श्वेता बच्चन और निखिल नंदा की बेटी हैं। आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन की नातिन और श्वेता बच्चन की बेटी नव्या नवेली नंदा ग्रेजुएट होने के बाद अपना एक बिजनेस उन्होंने शुरू किया है। बिग बी ने नव्या के ग्रेजुएशन की खुशखबरी भी ट्वीट के जरिए दी थी। जी हाँ, आपको बता दें नव्या ने अपने दोस्तों अहिल्या मेहता, मल्लिका साहनी, प्रज्ञा साबू के साथ मिलकर एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। इस प्लेटफॉर्म को आरा हेल्थ का नाम दिया गया है। जी हाँ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में नव्या का ये कदम बच्चन परिवार की शोभा बढ़ा रहा है। आरा हेल्थ नाम से एक आधिकारिक इंस्टाग्राम पेज भी बनाया गया है। वहाँ बताया गया है कि हम युवा और स्वतंत्र महिलाएं हैं जो एक सामान्य समस्या को हल करने के लिए एक साथ आए हैं, जिस पर ध्यान नहीं दिया गया। हमारी विभिन्न पृष्ठभूमि और अनुभवों ने हमें अन्य महिलाओं को सशक्त बनाने में मदद करने के लिए प्रेरित किया है। जैसा कि आप सबको पता है कि नव्या नवेली नंदा एक काफी फेमस सेलिब्रिटी किड है। जी हाँ, आपको बता दें कि ये खूबसूरत लड़की बिजनेसमैन निखिल नंदा और फेमस ऑथर, जर्नलिस्ट, होस्ट और फॉर्मर मॉडल श्वेता बच्चन नंदा की बेटी हैं। आपको बता दें कि उनके पिता निखिल नंदा मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एस्कॉर्ट्स ग्रुप के। जैसा कि आपको ये भी पता है कि नव्या नवेली नंदा श्वेता बच्चन की बेटी हैं, तो वहीं अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की नातिन भी हैं। आपको बता दें कि नव्या का जन्म 6 दिसंबर 1997 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। आपको बता दें कि उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा लंदन से पूरी की है। जी हाँ, वो ग्रेजुएट न्यूयॉर्क से हुई हैं और ग्रेजुएशन के बाद ही उन्होंने एक हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम आरा हेल्थ केयर है, जो औरतों के हेल्थ इश्यूज को डिस्कस करता है। अब हम नव्या के नेटवर्थ के बारे में बात कर लेते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक नव्या की नेटवर्थ लगभग 15 करोड़ रुपए है। 15 करोड़ रुपए उनकी नेटवर्थ आंकी गई है। वहीं आपको बता दें कि उनकी मंथली इनकम और सैलरी 15 लाख रुपए है और ईयरली इनकम उनकी 1.5 करोड़ से ज्यादा है। और इसे लास्ट अपडेट किया गया है मार्च 2021 में। जी हाँ, इस साल की ही हम आपको उनकी नेटवर्थ बता रहे हैं, जो कि 15 करोड़ रुपए है, उनकी मंथली सैलरी 15 लाख है, ईयरली इनकम उनकी 1.5 करोड़ से ज्यादा है। अब आपको ये भी बता दें कि नव्या के पास काफी अच्छी कलेक्शंस है कार्स की। जी हाँ, लग्जरी ब्रांड्स हैं उनके पास जिनका नाम है मर्सिडीज, जैगुआर, BMW। जी हाँ, ये सारी कारें उनके पास हैं और उन्हें काफी ज्यादा शौक है कारों का। आपको बता दें कि नव्या का एक भाई भी है जिसका नाम है अगस्त्य नंदा और वो भी अभी लंदन में ही पढ़ाई कर रहे हैं। कई बार नव्या नंदा का नाम कॉमेडियन जावेद जाफरी के बेटे मिजान जाफरी के साथ भी जोड़ा गया है। उनकी कई तस्वीरें भी वायरल हुई है और लोग यहाँ तक कहते हुए नजर आ रहे थे कि मिजान उनके बॉयफ्रेंड है। जी हाँ, आपको बता दें कि इससे पहले शाहरुख खान के बेटे के साथ भी उनके अफेयर की चर्चा हुई थी, लेकिन फिर सब कुछ ठंडा पड़ गया। लेकिन रूमर तो यहाँ तक थी कि नव्या के माता पिता भी अलग हो चुके हैं। जी हाँ, रूमर यहाँ तक भी थी कि श्वेता बच्चन और निखिल नंदा
दोनों की राहें अलग हो गई है, लेकिन सिर्फ ये एक रूमर ही था। इसको लेकर कोई भी आधिकारिक सूचना आज तक नहीं हुई है। और कहा तो यहाँ तक भी जा रहा है कि हो सकता है कि जल्द ही करण जौहर श्वेता बच्चन की बेटी नव्या नंदा को अपनी फिल्म में कास्ट करे, क्योंकि आप सबको पता है कि श्वेता बच्चन और करण जौहर बचपन के कितने अच्छे दोस्त हैं। और रूमर यही आई थी कि नव्या हो सकता है कि करण जौहर की ही फिल्म से इंट्रोड्यूस हो जाए, लेकिन इसके बाद अमिताभ बच्चन ने इस बात से इनकार किया कि अभी वो फिल्म में कदम नहीं रखने वाली है। वहीं आपको बता दें कि नव्या नंदा अपने नाना अमिताभ बच्चन के काफी करीब रही हैं। जी हाँ, हमेशा ही नव्या नंदा अपने नाना अमिताभ बच्चन के साथ कई तस्वीरें शेयर करती रहती हैं और उनकी तस्वीरें देख फैंस भी काफी खुश होते हैं। हमेशा ही नव्या नंदा से ये सवाल पूछा जाता है कि वो बॉलीवुड में एंट्री कब करने वाली हैं, लेकिन इसको लेकर आज तक नव्या नंदा ने कोई भी जवाब नहीं दिया है। पर जब अमिताभ बच्चन से ये सवाल पूछा गया कि उनकी नातिन नव्या आखिर बॉलीवुड में डेब्यू कब कर रही है, तो इसको लेकर अमिताभ बच्चन ने यह साफ कर दिया कि अभी उनकी नातिन बॉलीवुड में डेब्यू नहीं करेंगी। जी हाँ, आपको ये भी जानकारी दे दें कि नव्या नंदा अभी अपना ही बिजनेस स्टार्ट कर रही हैं और उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है आरा हेल्थ केयर करके, जिसमें वो औरतों के हेल्थ इश्यूज को डिस्कस करती हैं। जी हाँ, ये बड़ी पहल है नव्या नंदा ने, फिल्मों से बिल्कुल दूर अपनी एक अलग बिजनेस उन्होंने स्टार्ट की है। अब देखना होगा कि आगे वो फिल्मों में कब कदम रखती हैं। जी हाँ, तो आपने देखी अभी ये रिपोर्ट, आपने जाना नव्या नवेली नंदा के बारे में कि नव्या नवेली नंदा अपने बिजनेस को कितने सफल तरीके से चलाती हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि उनकी कुल संपत्ति लगभग 15 करोड़ की है। जी हाँ, उनकी महीने की अगर हम सैलरी की बात करें तो उनकी महीने की सैलरी लगभग 15 लाख है और एक साल में लगभग वो 1.5 करोड़ से ज्यादा कमा लेती हैं। कई सारी लग्जरियस कार का भी उन्हें शौक है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा एक्टिव रहती है अमिताभ बच्चन की नातिन और श्वेता बच्चन की बेटी नव्या नवेली नंदा। फिलहाल आपका इस रिपोर्ट को लेकर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप जरूर बताइएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।